हरदोई जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मरीजों के गांव को सील कर दिया गया है। बताते चलें कि महाराष्ट्र से हरदोई आए 2 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिले में भी कोरोना संक्रमण फैलने की खतरे की घंटी बज गई है। मुंबई से आया कोरोना पॉजिटिव मरीज बिलग्राम क्षेत्र के दिवाली गांव का है, तो वहीं दूसरा माधवगंज क्षेत्र के मटिया मऊ का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मामले की पुष्टि की है। महाराष्ट्र से कन्नौज आए थे दोनों मरीज। संदिग्ध मिलने पर कन्नौज प्रशासन ने दोनों सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। कन्नौज प्रशासन ने सैंपल लेने के बाद दोनों मरीजों को बिना क्वारंटाइन किए उन्हें अपने घर भेज दिया था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने दोनों क्षेत्र के गांवों को सील करा दिया है। अभी ये स्वास्थ्य विभाग जनपद हरदोई की तरफ से मेरे पास सूचना आई, इसमें 2 व्यक्ति जो मुंबई से आए थे, ज़्यादातर लोग जो मुंबई से अभी आ रहे हैं, उनमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कन्नौज आए थे और उनका रिजल्ट, उनका टेस्ट कराया गया था, वो अभी वर्तमान में अभी हरदोई जनपद आ चुके हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, एक बिलग्राम क्षेत्र का रहने वाला है और एक मल्लावा क्षेत्र, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन इत्यादि कराया जा रहा है। उनके कॉन्टैक्ट जितने भी लोग आए हैं उनको भी क्वारंटाइन कराया जाएगा और आगे उसमें जो भी स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया है उस पर।